सोमवार को स्थानीय प्रशासन की ओर से काजीपुरा कैंटोनमेंट निवासियों को अनाज का वितरण किया गया। हालांकि इस इलाके में 200 परिवार प्रभावित हैं, लेकिन यहां केवल 32 फूड पैकेट्स बांटे गए, जिस पर स्थानीय नागरिकों ने आपत्ति जताई है। बीते 18 जुलाई को काजीपुरा और गंगानगर कैंटोनमेंट परिसर के नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर रोष जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद नींद से जागे प्रशासन ने गंगानगर में लगे बैरिकेडिंग हटा दी है, जिसके बाद गंगानगर के लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ संभाजीनगर से सटे काजीपुरा कंटेनमेंट परिसर के नागरिकों की समस्याओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। सोमवार को यहां तहसील कार्यालय की ओर से अनाज का वितरण तो किया गया, वह भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत सा दिखाई दिया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यहाँ जो 32 फूड पैकेट्स बांटे गए, उसके लिए भी परिसर के लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि परिसर में लगभग 200 परिवार कंटेनमेंट जोन में लगाए गए बैरिकेडिंग से प्रभावित है। बीते दो हफ्तों से भी ज्यादा समय बड़े पैमाने पर सिलबन किए गए इस इलाके में जी रहे लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। साथ ही कंटेनमेंट जोन से बाहर जाकर सामान खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है। ऐसे में सोमवार को सरकार और प्रशासन की ओर से पहुंची मदद भी बेहद नाकाफी साबित हुई। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज कीट बटी यहाँ पर, बहुत से लोग के चूल्हे जले हैं। 32 से 33 जनों को कीट मिली है यहाँ पर, लेकिन कुछ और हकदार हैं जिन तक कीट नहीं पहुंची है। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि सर्वे करके उनको भी कीट दिया जाए, उनके भी चूल्हे जलाया जाए और उनके घर के अंदर खाना वगैरह पहुँच गया तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, और प्रशासन की बहुत बहुत गुजारिश करते हैं कि उनका सर्वे करके उनको किट दिया जाए। और मालूम हो कि परिसर में मस्तान चौक के पास लगी बैरिकेडिंग हटाई गई है, लेकिन ये अस्थायी तौर पर खोली गई या अस्थायी तौर पर ये कहना मुश्किल है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन काजीपुरा कंटेनमेंट इलाके के नागरिकों को पर्याप्त रूप से जीवनावश्यक सामग्री का वितरण करे, ताकि लोगों पर यहाँ से बाहर निकलने और जिंदगी का सामान जुटाने की लिए मजबूरी में नियमों का उल्लंघन करने की नौबत ना पड़े। NBC न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।